हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आई टी आई में। आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज के बारे में हम कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी स्पर्धा परीक्षा के लिए उपयुक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। और आज का जो हमारा क्लास है स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज का। पहला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, इसके लिए पहला ऑप्शन है ज्योतिराव फूले, दूसरा बी आर अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है जी वी जोशी, चौथा ऑप्शन है नारोजी फुर्दुन जी। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्योतिराव फूले। और जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें इसके पीडीएफ भी आपको लिंक में पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और इसी तरह की रेगुलर डेली क्लास के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जॉन वैली हु वॉज मर्डर्ड बाय मदन लाल धिंगरा इन लंडन वाज रिक्त स्थान। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कर्जन वायले जिसकी लंदन में मदन लाल धिंगरा ने हत्या कर दी थी वह रिक्त स्थान थी, इसके लिए पहला ऑप्शन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, दूसरा ऑप्शन है एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है लॉ मेंबर, चौथा ऑप्शन है गवर्नर ऑफ बंगाल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कर्जन वायली जिसकी लंदन में मदन लाल धिंगरा ने हत्या कर दी थी वह रिक्त स्थान थी, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द इंडिया, मतलब भारत के राज्य सचिव के सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स वाज इम्प्लेस्ड फॉर चार्जेस ऑफ करप्शन। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग लगाया गया था, इसके लिए पहला ऑप्शन है ईयर कॉर्नवालिस, दूसरा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मायो, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग लगाया गया था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ अलीवाल वॉज फाउट बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अलीवाल का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था, इसके लिए पहला ऑप्शन इंग्लिश एंड मराठास, दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश एंड नवाब ऑफ अवध, दूसरा तीसरा ऑप्शन है इंग्लिश एंड सिख, और चौथा ऑप्शन है इंग्लिश एंड टीपू सुल्तान। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अलीवाल का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश एंड सिख, मतलब अंग्रेजों और सिख के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन कश्मीर वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कश्मीर पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 2002, दूसरा ऑप्शन है 2004, तीसरा ऑप्शन है 2005, चौथा ऑप्शन है 2006। तो जो क्वेश्चन था कि हमारा कश्मीर पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2006 में। और इसी तरह के डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला बंगाली समाचार पत्र था, इसके लिए पहला ऑप्शन है समाचार दर्पण, दूसरा संवाद कामुड़ी, तीसरा ऑप्शन है संवाद प्रभाकर, चौथा ऑप्शन है बंगाल गैजेटी। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला बंगाली समाचार पत्र था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बंगाल राजपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वॉज द टाइटल ऑफ द नॉवेल फॉर विच अरुंधति रॉय वन अ बुकर प्राइज, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ बुकर प्राइज, इन विच ईयर डिड शी विन द प्राइज। ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास का शीर्षक था जिसके लिए अरुंधति राय ने बुकर पुरस्कार जीता था, वह बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी, उसने किस वर्ष में यह पुरस्कार जीता था, इसके लिए पहला ऑप्शन है
95, मतलब 1995, दूसरा ऑप्शन है 1997, तीसरा ऑप्शन है 1999 और चौथा ऑप्शन है 2000। तो जैसे क्वेश्चन था कि हमारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास का शीर्षक था, जिसके लिए अरुंधति रॉय ने बुकर पुरस्कार जीता था। वह बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। उसने किस वर्ष यह पुरस्कार जीता था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज फाउंडेड द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1887। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तिमत्व ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की थी? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एम जी रनाडे, दूसरा ऑप्शन है रघुनाथ राव, तीसरा ऑप्शन है नारायण मल्हार जोशी और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और बी। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की थी, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए और बी, मतलब एम जी रंडे और रघुनाथ राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंग्लिश ऑफिसर्स वॉज रिलेटेड टू द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज अधिकारी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में संबंधित था? तो इसका इसके लिए पहला ऑप्शन है कैलोन स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेल्सली, चौथा ऑप्शन है जॉन सीमोन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज अधिकारी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नल स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द नेताजी सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया? जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? इसके लिए पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा रंगून, तीसरा मलेशिया, चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड साउथ एशिया? तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और दक्षिण एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मदर टेरेसा वुमेन्स यूनिवर्सिटी, दूसरा SNDT यूनिवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय और चौथा ऑप्शन है वोमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज। तो जो क्वेश्चन था कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत और दक्षिण एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी SNDT यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया वॉज लॉन्चेस टू कैरी आउट वॉर विद द हेल्प ऑफ जरलिया टैटिक्स? जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि गुरिला रणनीति की मदद से युद्ध करने के लिए भारत के निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल को लॉन्च किया गया था? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंडियन होम गार्ड, दूसरा ऑप्शन है स्पेशल प्रोटेक्ट ग्रुप, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और चौथा ऑप्शन है सशस्त्र सीमा बल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि गोरिल्ला रणनीति की मदद से युद्ध करने के लिए भारत के निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल को लॉन्च किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सशस्त्र सीमा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज सॉ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया? जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत में सत्याग्रह का पहला उदाहरण देखा है? इसके लिए पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा ऑप्शन है खेड़ा, तीसरा ऑप्शन है चंपारण, चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत में सत्याग्रह का पहला उदाहरण देखा था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लेट 19th century हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड द न्यूज़पेपर टाइटल सुधारक? तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 19वीं शताब्दी के अंत में निम्नलिखित में से किसने सुधारक नामक समाचार पत्र शुरू किया था? इसके लिए पहला ऑप्शन है मोतीलाल घोष, दूसरा ऑप्शन है गोपाल गणेश आगरकर, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन है NN सेन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 19वीं शताब्दी के अंत में निम्नलिखित में से किसने सुधारक नामक समाचार पत्र शुरू किया था, तो इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी गोपाल गणेश आगरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द करेक्ट टाइटल ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वेन इट वॉज ओरिजिनली पेंड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय गान का सही शीर्षक था जब इसे मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है जनगण मन, दूसरा ऑप्शन है भारत भाग्य, तीसरा ऑप्शन है भारत भाग्य विधाता और चौथा ऑप्शन है भारत विधाता। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय गान का सही शीर्षक था जब इसे मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया था, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तीसरा ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेस्टली स्टार्टेड द सब्सिडायरी अलायंस इन विच ईयर। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लॉर्ड वेलेस्ली ने किस वर्ष सहायक संधि की शुरुआत की थी, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1793, दूसरा ऑप्शन है 1798, तीसरा ऑप्शन है 1799, चौथा ऑप्शन है 1803। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लॉर्ड वेलेस्ली ने किस वर्ष सहायक संधि की शुरुआत की थी, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फॉलोइंग वॉज नोन एज द मराठा मैचिल वैली। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकेले वैली के नाम से जाना जाता था, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाजीराव, दूसरा नाना फडणवीस, तीसरा ऑप्शन है महादजी सिंधिया, चौथा ऑप्शन छत्रपति शाहू। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकेले वैली के नाम से जाना जाता था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाना फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इम्प्रूव हिज एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर रिसीविंग अ ट्रीट फ्रॉम लॉर्ड एक्वालैंड। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लॉर्ड एक्वालैंड से धमकी मिलने के बाद किस स्थान के शासक ने अपने प्रशासन में सुधार किया था, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रूलर ऑफ सातारा, दूसरा ऑप्शन है रूलर ऑफ इंदौर, तीसरा ऑप्शन है रूलर ऑफ ग्वालियर, चौथा ऑप्शन है रूलर ऑफ पूना। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लॉर्ड ऑकलैंड से धमकी मिलने के बाद किस स्थान के शासक ने अपने प्रशासन में सुधार किया था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूलर ऑफ इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन वॉज अपॉइंटेड एज द विशरी ऑफ इंडिया इन विच ईयर। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लॉर्ड कर्जन को किस वर्ष भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1905, दूसरा ऑप्शन है 1903, तीसरा ऑप्शन है 1901, चौथा ऑप्शन है 1899। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया कि लॉर्ड कर्जन को किस वर्ष भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैगजीन कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पत्रिका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा विपिन चंद्र पॉल, तीसरा ऑप्शन है एरोबिंदो घोष, चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि पत्रिका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय दादाभाई नौरोजी इन 1866। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि 1867 में दादाभाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से
किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तीसरा ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन, चौथा ऑप्शन है इंडिया हाउस लंदन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई थी, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में कहता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है आर्टिकल 112, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 180, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 40 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 5। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में कहता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज पेरियर। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे पेरियर के नाम से जाना जाता था, इसके लिए पहला ऑप्शन है ये वी रामास्वामी, दूसरा ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, तीसरा ऑप्शन है सी एन मुदलेर, चौथा ऑप्शन है पी त्यागराज। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे पेरियर के नाम से जाना जाता था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ई वी रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंह सभा मूवमेंट वॉज फाउंडेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंह सभा आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा लुधियाना, तीसरा जयपुर, चौथा ऑप्शन है लाहौर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिंह सभा आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। इस तरह से आज का जो हमारा जनरल नॉलेज का क्लास था, इसमें हमने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है और इसकी पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और इसी तरह के डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।